हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल मैथ चिनमयी। तो आज इस वीडियो में मैं फ्रैक्शंस का टॉपिक लेके आई हूँ आपके लिए। तो फ्रैक्शंस का डेफिनेशंस क्या है, फ्रैक्शंस कौन सी फॉर्म में रहता है, उसका जो प्रॉब्लम है उसको हम किस तरह से बहुत ही इजी वे में और कम टाइम में उसको सॉल्व कर सकते हैं, ये आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। शुरू करने से पहले आप सबको एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज मुझे लाइक्स एंड कमेंट्स करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रैक्शंस का डेफिनेशन जो होता है, ए फ्रैक्शंस सिंपली टेल अस हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ होल वी हैव। तो ये जो फ्रैक्शंस होता है ये कितने पार्ट में डिवाइड होता है। वी कैन रिकॉग्नाइज ए फ्रैक्शंस दैट इज रिटन बिटवीन द टू नंबर्स। द टू नंबर्स वी हैव द टॉप नंबर एंड द न्यूमरेटर एंड द बॉटम नंबर इज द डिनोमिनेटर। फॉर एग्जाम्पल 1/2 इज द फ्रैक्शन, द वन इज द न्यूमरेटर एंड टू इज द डिनोमिनेटर। ए फ्रैक्शन इज कॉल्ड ए रेशनल नंबर। हम फ्रैक्शंस को एक रेशनल नंबर भी कहते हैं। तो फ्रैक्शन हमें किसे कहते हैं आप समझ में आ गया, क्योंकि जो दो नंबर का जो बिटवीन द टू नंबर्स यू हैव टॉप नंबर्स आर कॉल्ड द न्यूमरेटर एंड द बॉटम नंबर्स आर कॉल्ड द डिनोमिनेटर। फॉर एग्जाम्पल 1/2, तो ये जो 1/2 जो होता है, यहाँ पे 1/2 हमने जो लिया है ये एक फ्रैक्शंस फॉर्म में है, तो इसको ही हमें क्या कहते हैं, फ्रैक्शंस फॉर्म में कहते हैं। तो यहाँ पे 1 जो है वो है न्यूमरेटर और 2 जो है वो यहाँ पे है डिनोमिनेटर। तो जो भी नंबर फ्रैक्शंस फॉर्म में होता है उसका जो अपर वाला जो नंबर होता है उसको हम न्यूमरेटर कहते हैं और लोअर वाला जो नंबर होता है उसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। और फ्रैक्शन का और एक हमें रेशनल नंबर भी कहते हैं, क्योंकि उसका जो आंसर हमें मिलता है वो थोड़ा डेसिमल पॉइंट में रहता है, उसका करेक्ट आंसर हमें नहीं मिलता है, तो उसको हम रेशनल नंबर भी कहते हैं। तो फ्रैक्शन इज द नंबर ऑफ पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो 1/2। 1/2 का मतलब है एक जो दो जो एक, यानी कि ये एक सर्कल है उसको हम दो भाग करेंगे। ये आप देखिए मिडिल से हम दो भाग कर लेंगे, तो ये एक हाफ सर्कल है, ये एक हाफ सर्कल है। अगर हमें ये अगर हम इसको एक केक समझे तो ये एक पार्ट है और ये एक पार्ट है, तो हमें हाफ लेना है, ठीक है। तो ये अगर हमें हाफ लेना है तो उसको हम हाफ करेंगे, यानी कि 1/2 करेंगे, यानी कि एक भाग दो पीस हो गया, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ पार्ट्स, टोटल पार्ट्स यहाँ पे दो है, हमें एक लेना है, तो 1/2 होता है, ठीक है। टोटल पार्ट्स यहाँ पे टू है और यहाँ पे हमें नंबर ऑफ पार्ट्स यानी कि हमें वन लेना है, इसीलिए 1/2 होता है, ठीक है। तो एवरी फ्रैक्शन हैज अ न्यूमरेटर एंड इक्वल द नंबर ऑफ पार्ट वी हैव टू बी अ डिनोमिनेटर इक्वलिंग द टोटल नंबर ऑफ पार्ट इज अ होल। यानी कि एक फ्रैक्शन में एवरी फ्रैक्शन से न्यूमिनेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है, क्योंकि जो डिनोमिनेटर होता है ये टोटल पार्ट होता है और उसका जो पार्ट में अगर हम कुछ अंश हम निकाल लेते हैं उसको ही हम नंबर ऑफ पार्ट कहते हैं, यानी कि न्यूमिनेटर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1/3, जैसे कि तीन भाग है उसमें से एक भाग हम ले लिए तो उसको हम फ्रैक्शन कहते हैं। और यहाँ पे 4/7, 2/5, 18/5, यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हो, यहाँ पे 1/3 यानी कि न्यूमिनेटर छोटा है और डिनोमिनेटर यहाँ पे बड़ा है, और यहाँ पे 4/7 में भी वही चीज है, न्यूमिनेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। लेकिन ये जो लास्ट वाला मैंने एग्जांपल दिया है वो है 18/5, यहाँ पे 5 पीसेस है जो टोटल पार्ट है, यहाँ पे 18 हमारा न्यूमिनेटर है, तो इसको हम कौन सी फ्रैक्शंस कहते हैं, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं। यहाँ पे देखो प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज वन हुज होल हुज न्यूमिनेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। यानी कि जो न्यूमिनेटर है अगर वो लेस देन होता है डिनोमिनेटर से उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है
उसका जो न्यूमिनेटर होता है वो इक्वल होता है और वो ग्रेटर देन होता है डिनोमिनेटर से, उसको ही हम इनप्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं। जैसे कि 18/5 हमने यहाँ पे लिया है और 32/7, तो उसको हम क्या कहते हैं, इनप्रॉपर फ्रैक्शन। और इसका जो वैल्यू निकलता है ना वो मोर देन इक्वल टू वन, मोर देन और इक्वल टू वन होता है, वन से ज्यादा ही होता है, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर जो होता है वो ज्यादा होता है, मोर होता है डिनोमिनेटर से, और इसीलिए उसका वैल्यू जो निकलता है वो मोर देन और इक्वल टू वन होता है। और राइट एनी होल नंबर ओवर वन टू मेक इट ए फ्रैक्शन सिंस टोटल नंबर ऑफ पार्ट इज एनी अनडिवाइडेड होल इज वन। अगर हम एक नंबर ले लेते हैं जैसे कि 4, यहाँ पे मैंने 4 लिया है, तो 4 को अगर हम फ्रैक्शंस फॉर्म में लिखते हैं, अगर मैं आपको एक नंबर दूंगी 6, तो 6 को आपको उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लेना है, तो फ्रैक्शंस फॉर्म में आप किस तरह से लेंगे, 6/1 कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे उसको हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे कोई भी नंबर होता है अगर आपको फ्रैक्शंस फॉर्म में लेना है तो आप डिवाइडेड 1 कर लोगे, तो उसको ही हम क्या कहेंगे, एक उसको हमारा वो नंबर का फ्रैक्शंस फॉर्म कहते हैं। ठीक है, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई किस तरह से करेंगे फ्रैक्शंस फॉर्म में, तो मल्टीप्लाई यहाँ पे मैंने एक नंबर लिया है 3/4 मल्टीप्लाई विथ 5/7, आप क्या करोगे, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करोगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये हो गया है 3 × 5 यानी कि 15 और 4 × 7 यानी कि 28। तो उसी तरह से जितने भी क्वेश्चंस आए फ्रैक्शंस को, तो आप क्या करोगे, उसका न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करोगे और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करोगे, और जो भी क्वेश्चंस आएगा वो आपको फ्रैक्शंस फॉर्म में ही आएगा। अगर फ्रैक्शंस फॉर्म में आने के बाद अगर कोई भी नंबर उसकी टेबल में होता है तो हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, वो डायरेक्टली एक नंबर आ जाता है, नहीं तो वो फ्रैक्शन फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो उसी तरह से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसी तरह से हम उसको डिवाइड भी करेंगे और प्लस और माइनस भी करेंगे। तो हमने यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शंस देखा है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस भी क्या है हमने देख लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, डेसिमल फ्रैक्शंस किस तरह से निकालेंगे ये मैं बताऊंगी। तो डेसिमल फ्रैक्शंस जो होता है, यहाँ पे देखो, अगर लेते हैं हम डेसिमल फ्रैक्शंस अगर हम लेंगे, यहाँ पे 3/10 हम लेंगे और 7/100 लेंगे, उसके बाद 3/1000 लेंगे या 1000 लेंगे, तो हमें इसको किस तरह से निकालना है डेसिमल। यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 0.3 हो गया है, ठीक है, और यहाँ पे 7/100 है तो यानी कि 0.07 हो गया है, उसके बाद यहाँ पे 1000 है तो 0.003 हो गया है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डेसिमल फ्रैक्शंस कहते हैं। जो भी नंबर हमें डेसिमल पॉइंट में आता है उसको हम डेसिमल फ्रैक्शंस कहते हैं। उसके बाद आता है लाइक फ्रैक्शंस किसे कहते हैं, लाइक फ्रैक्शंस को जो फ्रैक्शंस होता है ये बहुत ही इजी में हम डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लाइक फ्रैक्शंस में क्या होता है, जो डिनोमिनेटर होता है ये जितने भी फ्रैक्शन आप लोगे अगर डिनोमिनेटर सेम होता है उसको हम लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। जैसे कि अगर हम 13/17 ले और 18/17 ले, 19/17 ले और 20/17 ले, उसके बाद हम 1/12, 5/12, 7/12 लेंगे, तो हमें निकालना है उसका लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस मीन्स ये जो डिनोमिनेटर जितने की सेम होते हैं ये एक पार्ट हो जाता है लाइक फ्रैक्शंस का, और दूसरा जो जिसका डिनोमिनेटर सेम है उसको और एक ग्रुप बना लेंगे, ये होता है लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, तब हमें यहाँ पे निकालना है कौन सा बड़ा वाला फ्रैक्शन है और कौन सा छोटा वाला फ्रैक्शन है। यहाँ पे 20/17 है जिसके भी डिनोमिनेटर सेम होता है उसको आप नंबर वाइज इसको आप छोटा बड़ा जान लेते हैं, बहुत ही इजी वे में उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये बड़ा वाला है और ये छोटा वाला फ्रैक्शन है। तो यहाँ पे
ट्वेंटी बाय सेवेंटीन जो होता है ये बड़ा होता है 19 बाय 17 से, ठीक है, और 19 बाय 17 जो होता है ये बड़ा होता है 13 बाय 17 से, और 13 बाय 17 जो होता है ये बड़ा होता है 8 बाय 17 से, ठीक है। उसी तरह से 12 का भी हमें निकालना है, तो 7 बाय 12 जो होता है ये बड़ा होता है किससे, 5 बाय 12 से, ठीक है, और 5 बाय 12 बड़ा होता है 1 बाय 12। तो इसी तरह से आप लाइक फ्रैक्शंस में छोटा और बड़ा आप बहुत ही इजी वे में आप उसको निकाल सकते हो। तो और एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ, अगर आपको कोई भी फ्रैक्शंस दिया गया हो तो आप क्या करोगे, उसका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए कोशिश करोगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने लूंगी अभी, तो एग्जांपल में मैं एक दो फ्रैक्शंस में लेती हूँ, मैं अगर यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 5 बाय 4 एक फ्रैक्शंस लेती हूँ और 3 बाय 5 एक फ्रैक्शंस लेती हूँ, तो इसमें से हमें कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा फ्रैक्शंस है उसको निकालना थोड़ा हमें क्रिटिकल हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम जो डिनोमिनेटर है उसको सेम करने के लिए कोशिश करेंगे। तो 4 का 5 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है 20, और 5 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है 20, यानी कि 20 20 अगर डिनोमिनेटर हो जाएगा तो हमें इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं कौन सा बड़ा वाला फ्रैक्शन है और कौन सा छोटा वाला फ्रैक्शन है। तो अगर हम 4 से 5 को मल्टीप्लाई करना है तो हमें पहले न्यूमरेटर से उसी नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, दोनों साइड से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 4 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। फ्रैक्शंस में क्या होता है, अगर आप एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर आप मल्टीप्लाई करते हो तो सेम नंबर दोनों में मल्टीप्लाई करना जरूरी है, क्योंकि अगर हम उसको सेम नंबर में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो वो फ्रैक्शन इक्वल नहीं आएगा, यानी कि 4 बाय 5 का जो फ्रैक्शन है वो इक्वल हो जाएगा 25 बाय 20 फ्रैक्शन से। अगर हम सिर्फ 4 से डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन में कोई भी इक्वालिटी नहीं रहेगी, इसीलिए आप क्या करोगे, पहले न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही जो भी मल्टीप्लाई करोगे जो भी नंबर उसको सेम नंबर दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हो गया है हमारा 25 बाय 20, ठीक है, और ये आ जाता है 12 बाय 20। तो आप यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर 20 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर 20 है, और मैंने यहाँ पे क्या कहा था, जिसकी भी डिनोमिनेटर सेम होता है वो लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो जाता है, ये दोनों लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया है। उसके बाद हमें यहाँ पे बहुत ही इजीली हमें यहाँ पे दिख रहा है कौन सा बड़ा वाला है और कौन सा छोटा वाला फ्रैक्शन है, यानी कि 5 बाय 4 जो है वो बड़ा है 3 बाय 4 से, ठीक है। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, जो भी फ्रैक्शन आएगा इसको हम क्या करेंगे, पहले लाइक फ्रैक्शन पे कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ही हम इसको जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके वाइज हमने इसको आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी रख सकते हो और असेंडिंग ऑर्डर में भी उसे रख सकते हो। उसके बाद आता है अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस जो होता है उसका ऑपोजिट होता है, ठीक है, ऑपोजिट मीन्स उसमें कोई भी डिनोमिनेटर के कौन अदर जो फ्रैक्शंस होता है उसके डिनोमिनेटर से मैच नहीं करते हैं, उसको ही हम अनलाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल 13 बाय 17, 15 बाय 8, 15 बाय 8, और यहाँ पे अगर जो भी आप ले सकते हो 12 बाय 15, इस तरह से भी आप इसको ले सकते हो। तो ये कोई भी इसका डिनोमिनेटर देखो, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 15 है, तो ये लाइक फ्रैक्शंस में नहीं आएगा। उसको अगर हम कन्वर्ट भी करेंगे तो दो फ्रैक्शंस कन्वर्ट होगी और अदर का नहीं हो सकता, तो उसको हम अनलाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। तो यहाँ पे अब हम सॉल्व करेंगे एडिशंस का। फॉर एग्जांपल हम एक प्रॉब्लम ले जाते हैं, फ्रैक्शंस के हम एडिशंस करेंगे,
क्वेश्चंस वन फाइंड द सम फाइंड द सम ऑफ 1/2 2/3 एंड 3/4 तो ये जो तीन फ्रैक्शंस है उसको हम क्या करना है एडिशंस करना है तो हम यहाँ पे पहले सॉल्यूशन ले जाते हैं यहाँ पे 1/2 प्लस 2/3 प्लस 3/4 करेंगे आप क्या करोगे पहले 2, 3 एंड 4 का एलसीएम लोगे ठीक है यहाँ पे एलसीएम 2, 3, 4 का कितना हुआ 12 हो जाता है क्योंकि यहाँ पे आप देखो अगर हम दूसरे वाइज में करेंगे तो उसको हम लाइक फ्रैक्शंस बनाएंगे तो लाइक फ्रैक्शंस अगर हम बनाएंगे 2 को 6 के मल्टीप्लाई करने से 12 आता है 3 को 4 से मल्टीप्लाई करने से 12 आता है 4 को 2 से 3 से मल्टीप्लाई करने 12 ही क्यों आता है क्योंकि 12 भी एक ऐसा नंबर है जो कि ये 2 3 और 4 टेबल में आता है एक ही नंबर है जो 2 3 और 4 टेबल में आता है तो उसी तरह से हम क्या करेंगे यहां पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1/2 से हम क्या करेंगे न्यूमरेटर में भी 6 मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर पे भी 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 × 4 करेंगे 3 × 4 करेंगे और ये आ जाता है 3 × 3 करेंगे और 4 × 3 करेंगे आप इस टाइप में भी इसको लाइक फ्रैक्शन बना करके भी एडिशन कर सकते हो अगर आपको लाइक फ्रैक्शंस नहीं बनाना है तो आप क्या करोगे जो नीचे डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम लेकर भी आप डायरेक्टली उसको एडिशंस कर सकते हो तो यहाँ पे आ गया है डिनोमिनेटर कितना हो गया 12 12 को 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 6 आता है 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाता है कितना 6 ठीक है प्लस 3 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 4 आता है 4 को 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है 8 उसी तरह से 12 को 3 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाता है 3 3 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाता है तो यहाँ पे आ गया है 23/12 ठीक है आप इससे को इस तरह से भी लिख सकते हो 1/11/12 इस तरह से भी आप इसको फ्रैक्शंस फॉर्म में लिख सकते हो ठीक है तो इसी तरह से आप सारे जो क्वेश्चन आते हैं आप लाइक फ्रैक्शन बना करके ऐसे भी इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो यहाँ पे देखो 6 8 9 हम जो यहाँ पे मैंने किया है यहाँ पे 12 को क्या करना है 2 से यानी कि जो फर्स्ट डिनोमिनेटर है उसको डिवाइड करना है पहले तो डिवाइड होने से हमें 6 मिलता है तो 6 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है अगर आपको ये स्टेप याद नहीं आता है आप ये स्टेप वाला भी आप अप्लाई कर सकते हो जैसे कि यहाँ पे 6/12 आ गया है प्लस यहाँ पे आ गया है 8/12 आ गया है प्लस 9/12 आ गया है इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 6/12 8/12 और 9/12 आ गया है ठीक है तो आप क्या करोगे 12 लाइक फ्रैक्शन है ना वहां पे एलसीएम हमारा 12 आ जाता है क्योंकि एक ही नंबर है तो एक ही नंबर आएगा एलसीएम तो यहाँ पे आप क्या करोगे डायरेक्टली जो जो नंबर है आप इसको पुट कर सकते हो ठीक है तो ये आ गया है 23/12 तो इसी तरह से आप बहुत ही इजीली जो फ्रैक्शंस का एडिशन है ना उसको सॉल्व कर सकते हो फर्स्ट तो आप अगर लाइक फ्रैक्शन बनाते हो तो आपको बहुत ही कम समय में इसका आंसर मिल जाएगा अगर आप एलसीएम लेके इसको करोगे तो ये भी कम टाइम लगेगा लेकिन ये वाला मेथड बहुत ही जल्दी और बहुत ही इजीली हो जाता है उसके बाद हम और एक क्वेश्चन लेंगे लोएस्ट टर्म में हम लेंगे किस तरह से एक फ्रैक्शंस को लोएस्ट टर्म में बनाते हैं ठीक है तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे अगर हम 2 125 लेंगे और यहाँ पे 100 लेंगे ठीक है तो पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे 125 है और 100 है ये 5 से कट जाता है क्योंकि ये अगर हम 5 से कट करेंगे तो 5 2 10 5 5 25 अगर यहाँ पे भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 20 आ जाता है ये भी जो फ्रैक्शन है ये भी कट जाता है 5 5 में यानी कि 5 5 25 5 4 20
तो यहाँ पे ये जो 125/100 है उसका जो लोएस्ट ऑर्ड में वो है 5/4। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्टली भी इस तरह से लिख सकते हो, 125/100 का लोएस्ट ऑर्ड 25/20 भी हो सकता है और 5/4 भी। और ये जो 25/20 और 5/14 ये इक्वल फ्रैक्शन से किसका, 125/100 का। उसी तरह से हम 48/45 का निकालेंगे। ठीक है, तो ये 3 से कटता है, ये भी 3 से कट जाता है, तो अगर हम 3 से कट करेंगे ये आ जाता है 16। ठीक है, तो ये आ जाता है 15। और 48/45 का जो लोएस्ट टर्म है वो है 16/15। तो इसी तरह से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं लोएस्ट टर्म में। और अगर आपको इक्वल टर्म फ्रैक्शंस बोला जाता है क्वेश्चंस में, अगर आपको दिया गया है 48 और 45, 48/45 का लोएस्ट टर्म या इक्वल फ्रैक्शंस आपको लिखना है, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। ठीक है, और इक्वल फ्रैक्शंस में और एक अगर आप लोएस्ट टर्म में इक्वल फ्रैक्शन लिखते हो तो इस तरह से लिखो, अगर आपको 48 और 45 का और एक फ्रैक्शन इक्वल फ्रैक्शन चाहिए तो आप 2 से भी इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, और किसी भी नंबर से आप दोनों को मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, तो ये भी उसका इक्वल फ्रैक्शंस हो जाएगा। अगर आप दोनों को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका इक्वल फ्रैक्शंस भी वही नंबर आ जाएगा जिसमें कि आप न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, सब्स्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ पे मैंने दो फ्रैक्शंस लिए हैं, 3/4 - 2/9। ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम पहले लाइक फ्रैक्शंस बनाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब दोनों जो स्टेप मैंने दिया है उसको, सेकंड स्टेप भी आप उसको अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे 9 और 4 है, तो उसमें से कौन सा नंबर है जो कि दोनों टेबल में आता है। अगर आपको कोई भी नंबर नहीं आता है तो आप उसको डायरेक्टली अल्टरनेट मल्टीप्लाई कर सकते हो, जैसे कि 3 × 9 / 4 × 9 - 2 × 4 / 9 × 4 कर लोगे। ठीक है, तो ये आ गया है कितना, 27/36 - 8/36 आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 36, और 17 - 8 हो गया है। ठीक है, तो अभी इसको माइनस कर लेते हैं, तो ये आ जाता है कितना, 19/36। ठीक है, इसी तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो फ्रैक्शन का जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्शन ये बहुत ही इजी होता है, अगर आप इसको लाइक फ्रैक्शन कर लोगे तो ये बहुत ही कम समय में उसको आप निकाल सकते हो। उसके बाद हम डिवाइड करेंगे, क्वेश्चंस नंबर 4, डिवीजन करेंगे। यहाँ पे 4/15 / हमने लिया है 2/5 लिया है, तो उसको हम क्या करेंगे इस तरह से लिख देंगे, ÷ 2/5। ठीक है, आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड है ना, तो आप यहाँ पे 4/15 है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, और ये जो सेकंड वाला जो फ्रैक्शन है उसको उल्टा कर लोगे, यानी कि डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर कर लोगे और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर कर लोगे। तो यहाँ पे देखो, 2 से अगर 4 को हम करेंगे 2 कट गया है और ये आ गया 3, तो ये हमारा 2/3 हो गया है इसका आंसर। ठीक है, तो उसी तरह से आप इजीली उसका सॉल्व कर सकते हो। और एक मैं क्वेश्चंस ले जाती हूँ और एक क्वेश्चंस आपको दिखा देती हूँ किस तरह से करना है। यहाँ पे देखो, 7/5 - 8/3 लिया है मैंने। ठीक है, 8/3 लिया है मैंने, तो पहले क्या करना है, हमें नीचे वाला जो नंबर है उसको सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7/1, यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे 1 है, तो यानी कि 1 और 3 का जो एलसीएम हो जाता है वो है 3, तो
तो 3 को 1 ने डिवाइड करना है और 5 से मल्टीप्लाई करना है. तो 3 को 1 से डिवाइड करना है यानी कि 3 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है 15. और ये 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 8. तो 7 डिवाइडेड बाय 7 बाय 3 आ गया है. ठीक है, उसको हम इसी तरह से लिख देंगे, 7 बाय 3 कर लेंगे. उसके बाद 7 इंटू इसको क्या करेंगे हम, इसको उल्टा कर लेंगे यानी कि 3 बाय 7 कर लेंगे. तो यहाँ पे 7 है ना, तो 7 7 कट गया है तो ये रह गया है 3. तो इस तरह से आप क्या करोगे, जो भी सिंप्लीफिकेशन आएगा आप एक एक करके सॉल्व करो और उसके बाद ही आप उसका आंसर बहुत ही जल्दी और इजीली उसको आप निकाल सकते हो. ठीक है, उसके बाद हम और एक क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 5. सिंप्लीफाई 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 बाय 4. तो उसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे. पहले नीचे से हम ऊपर तक जाएंगे. ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशंस डायरेक्टली हम लिख देते हैं यहाँ पे 2 प्लस 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 1 प्लस, यहाँ पे देखो 1 प्लस 1 बाय 4 है तो एलसीएम में यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फिर से. तो यहाँ पे 1 बाय 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 बाय ये हो जाता है 4, 4 प्लस 1. ठीक है, तो उसके बाद जो स्टेप आता है यहाँ पे देखो 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 5 बाय 4 आ जाता है. उसके बाद 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 3 प्लस, आप क्या करोगे यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई यानी कि उल्टा करना है तो ये आ जाता है 4 बाय 5. ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, ये वाला टर्म को सॉल्व करना है. तो 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 बाय, यहाँ पे एलसीएम कितना जाएगा, 5, 5 3 इज 15 प्लस 4 हो जाएगा और ये आ जाएगा 2 प्लस 1 बाय 19 बाय 5 हो गया है. ठीक है, आप क्या करोगे, पहले जिस तरह से करती हूँ उसी तरह से आप उसको सॉल्व करते जाओगे. तो 2 प्लस ये उल्टा अगर हम कर लेंगे यानी कि मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाता है 5 बाय 19. तो उसके बाद ये वाला टर्म को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 19 का एलसीएम जाता है 19, 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 38 प्लस 5 हो जाता है. तो अभी क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 38 प्लस 5 यानी कि 43 बाय 19. अब इसको हम डिवाइड करेंगे. ठीक है, डिवाइडेड बाय 43 बाय 19. तो अभी मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि उल्टा कर लेंगे यानी कि 19 बाय 43. तो अगर 1 से हमें मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाता है 19 बाय. तो इस वीडियो में मैंने फ्रैक्शंस का सारे जिससे कि क्वेश्चंस आते हैं, जितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं मैंने बता दिया है और उसको किस तरह से आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, मॉडिफाई करके उसको किस तरह से एडिशंस या उसका ऑपरेशंस किस तरह से कर सकते हो और उसको सॉल्व किस तरह से कर सकते हो ज्यादातर मैंने आपको बता दिया है. ये जो वीडियो है ये बेसिक कॉन्सेप्ट था फ्रैक्शंस के वाइज और मैं एक और एक भी वीडियो आपके लिए लाऊंगी जिसमें कि वहाँ पे प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व करोगे, किस तरह से सिंप्लीफाई करोगे, सारे क्वेश्चंस को मैं बताऊंगी. तो इस वीडियो में अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस डाउट लगा हो या कोई भी क्वेश्चंस या कहीं पे भी आप समझ नहीं पा रहे हो तो मुझे कमेंट करो और मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू.